जी नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग सभी का मेरा तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक नए वीडियो के साथ हम कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। टारस एक्सीडेंट, वृषभ लग्न। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां चंद्रमा होता है उसी तरह से आप दिमाग में ले लेता है। एक्चुअली चंद्रमा होने से वो राशि दर्शाता है। मान लीजिए कि ये वृषभ साइन में अगर चंद्रमा होगा तो आपका वृषभ राशि ही होगा। अगर ये एक नंबर भी लिखा हुआ है तो आपका वृषभ राशि होगा, वृषभ लग्न भी होगा। तो जहां पर एक लिखा हुआ है या लॉ लिखा हुआ है या ASC अस्क इस तरह का कुछ लिखा हुआ है तो उसी तरह का मान के चलिएगा। तो मैंने लिया है मई 15 से जून 15 तक हर महीने का संक्रमण, संक्रांति से शुरुआत करके अगले महीने संक्रांति तक जो रवि का संक्रमण होता है उसी हिसाब से मैं प्रेडिक्शन देता हूँ। मेरे सारे वीडियो इस तरह का है। अगर आप लोगों से कोई कमेंट आए और किस तरह बेहतर ढंग से इसको किया जाए तो मैं ज़रूर आप लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पर ले लूँगा। टरस एक्सीडेंट वृषभ लग्न, ये मेष से शुरू करके ये दो नंबर होता है आपका एक नंबर वृषभ। ओके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यही है। 15 मई रात 12 बजे दिल्ली का टाइम मैंने लिया है और उसी हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ था। यहाँ पर उतना सरफेस नहीं है, स्पेस नहीं है, तो प्लैनेट्स का डिग्री निकालने के लिए जगह नहीं थोड़ी बची है, तो इसलिए प्लैनेट्स का पोजीशंस को मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे लिया है। 15 जून तक यही रहेगा लगभग सर, प्लैनेट्स कुछ चेंज हो जाएंगे उसी टाइम। इसी महीने में आपका मंगल और शुक्र ये दोनों ही चेंज होने वाले हैं। मंगल आपका 2 जून को चेंज हो जाएंगे और शुक्र आपका 28 मई को जेमिनी को आ जाएंगे। अभी के लिए शुक्र ये आपका लग्न में है, मंगल 2 नंबर पे सेकंड वेल्थ की पोजीशन में है। मंगल आ जाएंगे 3 नंबर को और शुक्र आ जाएंगे 2 नंबर को। फिलहाल अभी के लिए आपका लग्न में रवि, बुध, शुक्र और राहु। रवि के साथ बुध शुक्र होने से कंबिस्ट तो होता है, अस्त तो होता है, फिर भी ये लग्न शुक्र का जगह है। ये प्लैनेटरी हिराची में वो दैत्य गुरु है, वेल्थ को डिनोट करता है, सिंबलिज्म ऑफ वेल्थ। बहुत शौकीन होते हैं वृषभ लग्न वाले, अपना पहनाव, फीमेल हो मेल हो, अपना जो कपड़ा, अपना जो पहनाव, अपना जो सजावट, उसी में वो कॉम्प्रोमाइज वो लोग नहीं करते हैं। गहना, फीमेल पर्सन्स गहना को इनके लिए बहुत उनका वीकनेस होता है। शौकीन है बाइक कार वगैरह, इसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो पीछे साइड कुछ होना क्यों, मगर ये आगे का साइड वो ही देखता है। वाहन के लिए वृषभ लग्न बेहतर ढंग से माना जाता है। और शुक्र आपके लिए वेल्थ, शुक्र अभी आपका लग्न में है, बुध आपका लग्न में है, सेकंड हाउस का लॉर्ड वेल्थ धन का कारक अभी लग्न में है और लग्नाधिपति अल्सो लग्न में है राहु के साथ, रवि के साथ। पैसा की झंझट इस टाइम में आपका नहीं होगा, खूब ढेर सारे पैसा आपको मिल गया होंगे और आगे भी मिलता रहेगा। मगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है क्या कि आपका रवि यहाँ लग्न में है तो रवि एक एरोगेंट नेचर का, एक रॉयल स्टाइल का, एक घमंड का, एक अभिमान स्वाभिमान का प्लैनेट है। तो लग्न में ये स्थित होने से हमेशा यही सोचिए कि किसी को क्या कुछ ऐसे जुबान पे निकल जाता है बोल देने से, उसे कितना अच्छा लगता है कितना बुरा लगता है, बस यही एक कमी रह जाती है इसी महीने में आपके लिए। और बाकी के सारे सब ठीक है। राहु
कि तीनों के साथ रवि, शुक्र और बुध के साथ राहु का यहाँ उच्च का जगह माना जाता है और राहु यहाँ पहले से पोजिटेड है। शुक्र आपका मून चंद्रमा के नक्षत्र में है, 3 नंबर का प्लैनेट अधिपति होता है चंद्रमा, कम्युनिकेशन का आपका भाई बहन, छोटे भाई छोटे बहन को दर्शाता है चंद्रमा। बहुत कूल ठंडा चिंतन में आप सक्षम हो गए सारे के सारे प्रीवियस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में। अगर आप में से कुछ प्रॉब्लम था भाई बहनों के अंदर, भाई भाई के अंदर, बहन भाई के अंदर, कोशिश करें तो वो सुलझ जाएगा। ये बेटर टाइम है आपके लिए, बेहतर टाइम आपको मिला है। अभी चंद्रमा को मैंने पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं लिया क्योंकि चंद्रमा ढाई ढाई दिन में ट्रांजिट करता है एक एक राशि को। तो यहाँ मंगल होता है, मंगल आपका 7वां लॉर्ड 12वां लॉर्ड होता है, यही एक पॉइंट वृषभ लग्न में। 12वां हाउस का ओनरशिप मंगल होता है, वो बेड को दर्शाता है, बेड को बेडरूम को। रात 10-11 बजे सुबह तक का जो जिंदगी चलता है बिटवीन द कपल, बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड, जिसको कि बाहर दुनिया से कोई नाता नहीं है, ये अपना दुनिया में खो जाते हैं, वही 12th हाउस जो कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का हाउस है, दोनों फिजिकल डिजायरनेस होता है, शरीर का जो भूख होता है वही 12th हाउस को दर्शाता है। वैसे मंगल आपका 12वां मालिक है और 7वां मालिक है, ये कपल लाइफ दाम्पत्य जीवन का कारक होता है। तो उसी लाइन में, उसी हिसाब से, उसी सब्जेक्ट पे आप बेटर नहीं, आप बेस्ट हो, आप बेटर नहीं, आप बेस्ट हो। जो चाहिए आप में है वो खूबियां कि अपोजिट सेक्स का वांटिंग को, अभाव को महसूस ना होने दे वृषभ राशि, सॉरी वृषभ लग्न। आप में वो खूबियां है, ये सारे के सारे प्लैनेटरी हीराजी में इस तरह का सुंदर सा, सुंदर को प्यार करने वाला, सुंदरता से अपना दुर्बलता देना वीकनेस है सुंदरता के लिए। परफ्यूम टक इस तरह का जो कॉस्मेटिक्स का होता है, अपना बजट से हर महीने हर रोज आपको कुछ इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है, कुछ अलग सा सोच होता है, खाने पीने के मामले में हो, कपड़ा ड्रेस साड़ी वगैरह उनमें पहनावे भी हो, चॉइस कुछ अलग सा होता है। छोटा सा कमरा हो ना क्यों, लेकिन इसमें इतना सजावट होगा कि बाकी दूसरा कोई लग्न में नहीं होगा। बड़ा सा माहौल होगा तब भी वो उतना सजावट होगा तो आंखें लाख जाएगा। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न बहुत शौकीन होता है, कार खरीदने जाए तो 5-5.5 से कार शुरुआत तो हो जाता है, मगर इन्हें वो नहीं लगेगा ऐसा। और 4 लाख प्लस ऐड करें और बेहतर ढंग का कार जो शौकीन सा होता है, जो लग्जूरियस होता है, उनमें कमी क्या है, उन लोगों को उस टाइम उतना प्रायोरिटी बेसिस में वो डिसीजन नहीं लेते हैं, कंफर्टेबल कितना होता है उसमें, दिखता है कैसा, लुकिंग कैसा होता है, चाहे छोटा मोटा बाइक भी खरीदने क्यों। वही अगर फीमेल का हॉरोस्कोप होगा तो किसी भी फैंसी दुकान में चले जाए तो हाई कास्ट का, हाई लेवल का, हाई एटीट्यूड का, हाई फैशनेबल चीज,
पकेट के हिसाब से क्या कुछ हो सकता, मगर मन ऐसा ही करेगा। पांच लेना, दो ही ले लेते हैं, मगर उसी हिसाब से ले लेते हैं। यही है वृषभ लग्न का खूबियां। और मंगलदेव आपका आ जाएंगे 3 नंबर को। कब आएंगे? 2 जून को। ये 7वां लॉर्ड और 12th लॉर्ड सेकंड हाउस को आ जाएंगे। सेकंड हाउस की देखा जाए तो वृषभ लग्न के लिए मार्क का जगह है, वेल्थ का जगह है। जहां पर पैसा होता है वहां पर डेंजर जोन ही चलता है, सेकंड हाउस। जबकि मंगल यहाँ आ जाएगा, आपका वाणी को कंट्रोल रखिए, बेसिकली आपके पार्टनर के साथ। 7वां पोजीशन में अभी केतु है और यही केतु आपका शनि की नक्षत्र में रूलिंग पे है। शनि आपका 9वां और 10वां लॉर्ड है, उधर रेट्रोग्रेशन होने वाला है शनि आगे 23 मई 2021 को। 23 मई 2021 तक अभी के लिए तो 9th में शनि भाग्य के स्थान में है आपका, फिर भी एक केतु की नक्षत्र में शनि और ये मंगलदेव आ जाएंगे 3rd हाउस को, जो कि 7वां और 12वां पोजीशन का मालिक। तो स्पाउस के साथ जितना हो सके उतना बैलेंस मेंटेन किया कीजिएगा। कोई छोटा सा बात को लेकर बात ऊपर तक ना पहुंचे उसके लिए कोशिश जितना हो सके आप कर सकते हैं, ये आपका मर्जी पे ऊपर छोड़ देता हूँ। और वही 7वां पोजीशन का मालिक मंगलदेव 3 नंबर को आ जाएगा। जब आ जाएगा तो ये शनि की नक्षत्र डिवीजन में फिर आ जाएगा और यहाँ मंगल नीचस्त और दुर्बल हो जाएगा। मंगल का ये नीचे जगह होता है, ये कर्कट राशि। और वैसे भी देखा जाए ये शनि की 7वां दृष्टि में आ जाएंगे। तो जितना हो सके परहेज कीजिएगा, छोटा मोटा बात को लेकर कहीं बहुत बड़े तक ऊपर तक ना चले जाए। अगर कहीं पहले से कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा तो ये मंगल जब आएगा 2 जून उससे पहले इस चीज को अपने हाथ में ले आना चाहिए, चाहे उसमें राजाबंदी होना क्यों, कंप्रोमाइज कुछ होना क्यों। 2 जून को कवरेज कर लोगे तो आपके हाथ से वो सिचुएशन चला जाएगा और दोबारा वो सिचुएशन अभी के लिए नहीं आएगा। अगर कुछ डिस्प्यूट है तो यही टाइम आपके लिए 2 जून तक। और बृहस्पति आपका 10th लॉर्ड है, 10वां पोजीशन में है अभी। ये 11th लॉर्ड का मालिक है, 10वें है। जॉब में बहुत अच्छा सा रुतबा होता है ये अभी के लिए। आपका नौकरी पैसा होगा, अगर बिजनेस होगा तो उसी में आपका रुतबा और पैसा, आपका जो जोश, जो दम, जो पराक्रम होता है, जो आपका कैलिब्रिटी होता है, वो सही ढंग से, बेटर ढंग से चलता होगा अभी के लिए। और इनका 5वां दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपका सेकंड हाउस में आता है। प्रीवियस कुछ पड़ा हुआ पैसा था, अगर ऑफिस में या बिजनेस में या जो क्रेडिट रह गया था, मिल नहीं पाता था, इसी बीते हुए 2 महीने में आपको मिल गया होगा और आगे को मिलने का भी चांस है टिल 2 जून के अंदर अंदर। और देवगुरु बृहस्पति 20 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वहां तक आपका अगर कहीं पैसा फंसा पड़ा हुआ है तो उससे पहले ले आइए, बेहतर होगा। सेकंड हाउस मरकुरी आपका ये भी आ जाएंगे आपका रेट्रोग्रेशन पोजीशन में। कब आएंगे? 26 मई को वो रेट्रोग्रेशन हो जाएंगे। कहीं शेयर वगैरह आपने खरीद लिया तो जितना हो सके यहीं से इसको स्टॉप कीजिए, क्या कीजिएगा, और आगे और पैसा इन्वेस्ट करके दोबारा शेयर खरीदना अभी के लिए भूल जाइए। जितना है आपके पास में हो सके तो उसको एक्सचेंज कर सकते, हो सके उसको स्टे अप कर सकते। और
बृहस्पति की तीन नक्षत्र में अगर आपने जन्म लिया, पुनर्वसु विशाखा और पूर्वा भाद्रपदा, बृहस्पति की तीन नक्षत्र अभी के लिए, तो टाइम बहुत अच्छा है, बहुत बल्ले बल्ले चल रहा है आपके लिए। कोई झंझट कोई दिक्कत नहीं होता है। आपका सराउंडिंग में जो जो होते हैं, फैमिली हो नॉन फैमिली हो, स्टाफ हो नॉन स्टाफ हो, आपका नौकरी पेशा में जो सरकमस्टांस होता है, आपका जो कंटेम्परेरीज होते हैं, उनके बीच में आपको भी महसूस करने आपको मौका ऐसा नहीं मिलता है कि मैं उनमें से, ये सब में से मैं क्वालिटी इन्फेरियर हूँ और इन्फेरियर कॉम्प्लेक्सिटी में मैं जी रहा हूँ। नहीं, हाई माइंडेड है, हाई लेवल में, रुतवा में आपका अभी जिंदगी चल रहा है। और जो टाइम दो मैंने मेंशन किए, मंगल 2 जून, बृहस्पति 20 जून को आ जाएंगे, तो उसी हिसाब से फैमिली में कुछ डिस्टर्ब मत किया कीजिएगा। 28 मई को जमीनी साइन को वेनस आ जाएंगे, आपका लग्नाधिपति, आपका लग्नावती लग्नाधिपति सेकंड हाउस को आ जाएंगे 28 मई को। तब बृहस्पति के नक्षत्र में आपका शुक्रदेव रहेंगे, फिर भी टाइम उतना नेगेटिव नहीं है अभी के लिए। जून 15 तक लगभग सर टाइम अच्छा है। और आपका अगर बद्धतर आप में पड़ता है, रवि का तीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा और कृतिका, इन्हीं तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, मतलब जन्म किस समय में चंद्रमा किस नक्षत्र में था और वो नक्षत्र का लॉर्ड कौन था, उसी को जन्म नक्षत्र कहा जाता है। उसी हिसाब से देखा जाए, अगर रवि का तीन नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो आपका ऑफिस में, आपका ऊपर लेवल का जो बॉस है, आपका जो ऑफिसर है, हाई रैंक का ऑफिसर है आपका, जिसके नीचे आपका नौकरी पेशा, मतलब आप जिसके अंडर में है, बस कोशिश कीजिए उनके सारे बात में हाँ भरने को। क्योंकि जबकि आप ना भरोगे तब आपके लिए ये टाइम ठीक नहीं है, बिकॉज वो बद्ध तारा में पड़ता है रवि का तीन नक्षत्र। साधक तारा में पड़ता है शुक्र का तीन नक्षत्र। शुक्र ऑलरेडी आपका लग्नाधिपति है और सेकंड पोजीशन को आता है आगे, अभी भी मैंने बोला वही लग्नाधिपति है। साधक मतलब कोशिश करे और टारगेट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। साधक तारा का ये खूबियाँ होता है, यही प्लस पॉइंट होता है उसका, वही नेचर होता है। तो शुक्र का तीन नक्षत्र में आपका जो आता है ना, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, आपके लिए समय बहुत अनुकूल है, ठीक ठाक है। बेसिकली देखा जाए तो आगे ये तो ग्रहण दोष पे है रवि, अभी राहु के साथ में जब होते हैं, ये आगे ग्रहण जब होगा सूर्य ग्रहण ना, तब उसी दिन आपको अर्घ्य देना सूर्य को, बस यही है। सूर्य सहस्रांशु तेज राशु जगतपति अनुगम्भय मां भक्त्या ग्रहण अर्घ्य दिवाकरः, ऐसे सर लुचा के सूर्यदेव को कभी नमन नहीं करना। सूर्यदेव को बहुत प्यारा है नमस्कार, सूर्यदेव को बहुत प्यारा होता है नमस्कार। जल अर्घ्य देना, नमो सबीते जगते को चक्षुषे जगत प्रसूते स्थितिनाश हेतवे तयि मया या त्रिगुणात्म धारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने, बस इतने में काफी है। मगर जितना हो सके करने को कोशिश कीजिएगा। और कुछ जो समाज का जो लो लेवल्स पर्सन होता है, जो अछुआ होता है, जो अनटचेबल होता है, जिनको कि घर पर एंट्री नहीं होता है, मैं उतना खोल के नहीं बता रहा हूँ, कहीं मुझ में या को कुछ एक्ट लग जाएगा। जितना हो सके ये लोगों का आप कुछ फ्रूट्स हो सके तो दान में ऐसा देना यही महीने के लिए। बस आज के लिए इतना, विदा दीजिए गौरंग पंडा को, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।